आज का सबसे पहला विश मुझे सच बताऊं तो मेरे फैंस ने किया, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि वो 12 बजने वाले हैं, 11:59 पे आपके पास मैसेजेस आने लगते हैं कंटिन्यूसली, तो वो एक प्यार जो आप लोगों से मिलता है वो ट्रिमेंडस है, मतलब वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फ्रेम नहीं कर सकता। इट्स जस्ट दैट हेवनली है वो, जिसके लिए मैं क्रेव करता हूँ, जिसके लिए मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। जैसा कि आपके घर वाले यहाँ पे प्रेजेंट, आपकी भाभी हैं और भी घर वाले, मेरी भाभी हैं, मेरी मम्मा हैं, घर वालों का बर्थडे के दिन क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान होता है? नहीं, ये एक्चुअली सच बताऊँ तो एक सरप्राइज था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी भाभी और मेरी मम्मी आने वाली हैं, बट उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। मेरा घर बहुत ही प्यार से डेकोरेट करवाया, एंड वो सरप्राइज़ मैं मतलब अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए माँ सबसे करीब होती है, हर बच्चे के लिए माँ भगवान की तरह होती है, मेरे लिए भगवान ही है, और भगवान खुद आ गया आपके बर्थडे पे, और क्या चाहिए लाइफ में। फैंस आपको इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, बर्थडे के जरिए कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने बर्थडे पे कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो मतलब मैं आपकी सबके फ़ोटोज़ देखता हूँ, जो आप लोग केक काट रहे हैं मेरे लिए, और मेरे कुछ फैंस हैं जो सब लोग मिलके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार आप लोग कितने अच्छे हैं, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से, और आप लोग जो मुझे प्यार करते हैं मैं उसका रिस्पॉन्स दे नहीं पाता हूँ, इसलिए इस ज़रिए से, इस मीडियम से मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई लव यू, और मैं डेफिनेटली आपको ज़िंदगी भर एंटरटेन करता रहूँगा, नो मैटर व्हाट। थैंक यू सो मच, गुड लक। अच्छा लगता है, हालांकि सिर्फ दो सीन्स थे, पर फिर भी मुझे पिंकी के नाम से बुलाते हैं, फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं घपा घप एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे मुझे इतना फनी लगता है कि दैट्स द पावर ऑफ फिल्म्स, यू नो, दैट्स द पावर ऑफ अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। एंड मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही लकी हूँ कि मैं राजकुमार हिरानी के साथ मैंने काम किया है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग कैंप, सो आई होप दैट इन फ्यूचर आई गेट टू वर्क विद राजू सर अगेन, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल रेनी सीजन में बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि कपड़े खराब ना हो, तो आई एम वेरिंग कंफर्टेबल BCBG ब्लैक आउटफिट। थैंक यू, थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहूँगा, पर्ल हैप्पी बर्थडे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिम के अलावा हम कहीं और मिल रहे हैं, एंड स्पेशली क्लब्स में मिल रहे हैं, बिकॉज हम दोनों डाइट कॉन्शियस हैं, सो ना वो ज़्यादा ऐसे पार्टीज़ में मिलता है ना मैं मिलता हूँ, तो आज हम दोनों यू नो थोड़े से रिलैक्स मूड में मस्ती करने वाले हैं, एंड इट्स गोना बी गुड फन। उसके साथ साथ बहुत सारे उसके दोस्त और हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन एंड सेलिब्रेशन। आई विश हिम लक, हैप्पीनेस एंड अ ग्रेट फ्यूचर। यही फिट है क्या? अरे ये अच्छा खिलाती है तभी तो हम फिट रह पाते हैं, ये अच्छा नहीं खिलाएंगी तो फिर में कैसे रहेगा। एंड में तो किचन तो यही चलाती है ना, तो फिर मैं जब अच्छा डाइट वाला खाना ये देंगी तभी तो हम फिट रह पाएंगे। सो मेरा जितना भी यू नो फिटनेस जो दिखती है वो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इतना अच्छा कमेंट मिल रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं आज मेरे को अपना रात अच्छी बनानी है इसलिए थोड़ा करना पड़ा। थैंक यू। पर्ल को यही कहना चाहेंगे कि बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो एक लाख हजार, एक लाख। जी जी जी, एक दूसरे के अटायर के बारे में कुछ अगर आप लोग हमें बता। She is wearing a nice green dress. And denim. Very casual denim. कुछ आप लोग ऐसे decide करते हैं कि आपको ये wear करना है, आपको ये wear करना है, ये पहनना है, ऐसे बातें करते हैं आप लोग किसी भी party में जाते हैं? नहीं, तैयार होके पूछते हैं कैसी लग रही हूँ, approval. बस यही है अप्रूवल, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता है। I don't know. Like हाँ ठीक है जो भी पहनो। हम तो बस वेट करें कि हम अंदर जाएं। We're really excited. We're very happy for him. Actually, we wish him great health because काफी फिटनेस में डूबा रहता है लड़का हमारा, छोटे भाई जैसा हो गया है, एंड बहुत ही स्वीट सा लड़का है, बहुत ही जेन्युइन लड़का है, एंड वी विश हिम ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। थैंक यू। कुछ नहीं, चूल्हे में जाए ऐसी तैसी कराए, फालतू का मैं थका हुआ था, फालतू खाना पड़ गया मुझे यहाँ पे, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे लड़का। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अरे वो उसको पता मैं कैसा हूँ और उसको पता है कि वो मेरे लिए क्या है। आई विश पर्ल ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही प्यारा मेरा भाई है और मैं यही चाहूँगा कि जैसा वो है वो हमेशा जीवन में वैसे ही रहे, और जितना प्यारा है, जितना दिल का साफ है, वो हमेशा वैसे ही रहे, और जितनी आज तरक्की कर रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा तरक्की करे। पर्ल की बात करें, आपकी बात करो, काफ़ी फिटनेस में बिलीव करते हैं आप लोग, अपनी मेंटेन कैसे करते हैं आप लोग, अगर कुछ बताया जाए आपके फैंस के लिए? यार मैं हम लोगों में पर्ल को मैं बहुत समय से जानता हूँ, मेरा भाई है, और कुछ लोग होते हैं जो दोस्त होते हैं, कुछ होते हैं जो वर्क फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो परिवार होते हैं, पर्ल उनमें से एक है। और ही इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड, ही इज़ वेरी कमिटेड टू हिज वर्क ऑल्सो, टू बॉडी ऑल्सो, तो बहुत जिम में लगा रहता है और बहुत मेहनत करता है, और हम लोग जब भी साथ में टाइम मिल पाता है कि एक हम लोग का कोऑर्डिनेट हो पाता है कि हम लोग सेम टाइम पे जिम पे पहुँचें, तो मैं तो थोड़ा सा मस्तीखोर आदमी हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही इज़ ऑल द टाइम वर्किंग वेरी हार्ड, और मैं खुद बहुत फिटनेस को मानता हूँ, और मैं आई एम अ वेरी रेगुलर पर्सन हु गोज़ टू द जिम एवरी डे। सो या यू शुड ऑलवेज बी हेल्दी इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरीबडी, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि सब लोग बहुत अच्छा अच्छा खाएं, है ना, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। मुझे लगता है शीला की जवानी एक ऐसा बिल्कुल यूनिक होगी ना कि जो नहीं, आई थिंक मेरा आजकल बहुत ज़्यादा बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक वो है ना गाना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कि नहीं यार
जिसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आई थिंक मैं और पॉल हम लोग उसी में डांस करेंगे आज, है ना। थैंक यू सो मच। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। यार इज़ अ वेरी स्वीट चैप, मुझे हर दूसरे दिन जिम में मिलता है, आज अगर मैं नहीं आता मुझे मार देता वो। काफ़ी फिटनेस पर ध्यान रखते हैं आप भी? जी 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 जी। कैसे मेंटेन रखते हैं आप लोग? जिम जाकर खाना कंट्रोल करके, एंड एक्चुअली मैं आजकल बहुत खा रहा हूँ तो, बट या आई थिंक थैंक्स टू आवर पेरेंट्स फॉर गुड जीन्स। अभी जाकर मैं खा कर आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी बस पर्ल को तहे दिल से आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और वो जो भी चाहे भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करें। हाँ मैं एक्चुअली आज ही वापस आई बॉम्बे, और हमारी फ़्लाइट बहुत कंटिन्यूसली डिले होती जा रही थी, और सब बोल रहे थे इससे अच्छा तुम आओ ही मत, तुम वहीं रहो, बट स्टिल आई हैड टू मेक इट फॉर हिज बर्थडे। तो जी आपको बहुत जल्द पता चलेगा, प्रॉब्ली इस मंथ एंड तक पता चल जाएगा आपको। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, जस्ट कीप वेटिंग, स्टे ट्यून्ड एंड यू विल गेट टू नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुक जा, वो दिल दीवाने। क्या लिखे? अरे रोल कर। सर उधर पीछे। सर पीछे से। आप वो सर कर दीजिए। इसका क्या नाम है? और आई थिंक जिन्होंने भी ये केक बनवाया है, मेरे फ्रेंड्स ने बनवाया है, सबको पता है कि मैं कॉफी लवर हूँ। दैट्स व्हाई दिस इज चावल्स। हम लोग फ्री में चावल्स का प्रमोशन कर रहे हैं, पैसे बाद में ले लूँगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जी ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पॉल, हैप्पी बर्थडे। प्रसन्न आप लोग आ करिए। आपकी
बंद हो गया करिए भाई हां सर क्या बात सर अभी इधर इधर राइट में नहीं हुआ ये कैसा फोन है कौन सा कैमरा कौन सा नहीं देखा सर यहां